तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। अभी मौजूदा हुकूमत से जो ये सी ए बिल पास हुआ है, इसके इन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया। ये सी ए जो बिल पास हुआ है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जो इस मुल्क को सेकुलरिज्म देता है। यहाँ पार्टीशन जब हुआ, पाकिस्तान बना, तो वहाँ जो जाना था वहाँ चले गए। यहाँ का मुसलमान पहले से ही यहाँ पर है और यहीं पर रहेगा और यहीं पर मरेगा, यहीं की मिट्टी में दफन होगा। हमारा जाने का कोई सवाल नहीं है। आज पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, बाहर भी एहतजाज हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, सब थूक रहे हैं। यहाँ मुल्क में बहुत ये चीज है, बेरोजगारी है, जीडीपी कहाँ गिरी हुई है, मुल्क का इकोनॉमी कहाँ है। इनके जो बीजेपी के सरकार के जो एमएलएस हैं, ये रेप केस में अंदर जा रहे हैं। अगर बाहर से हम ये भी मान रहे हैं कि बाहर से इनके बाहर से कोई आ रहा है, घुसपैठिया आ रहा है, तो बॉर्डर के जरिए से आएगा, आसमान से थोड़ी तो आएगा। बॉर्डर से आ रहा है तो इनकी मिलिट्री फोर्स भेजी है, इन्हीं की मिलिट्री घुस करके कर रही है, तो इन्हीं के ये करप्शन इनका अंदर बढ़ गया है, तो बाहर से भेज रहे हैं, तो इनको पहले जेल में डाला जाए तब ये क्या जाए। और एनआरसी अमित शाह पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि एनआरसी होगा, उनके रैली में कहते हैं एनआरसी होगा, मोदी जी रामलीला से कहते हैं कि एनआरसी नहीं होगा। तो ये पहले तो इन दोनों को बैठ कर कमरे में ये करना सोचना चाहिए। हम दोनों में झूठ कौन बोलेगा? पहले वो एक बात झूठ बोलता है, ये एक बात झूठ बोलता है। होम मिनिस्टर के वेबसाइट में लिखा हुआ है एनआरपी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी, और आप कहते हैं कि एनआरसी पे बात ही नहीं हुई, एनआरपी लाके रख दिया है। तो हम मरते दम तक इस कानून को नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं या हिंदू मुसलमान सब एक हैं, हम कायमत यहीं पर रहेंगे, यहीं पर बनेंगे, हम इसी को नहीं मानेंगे। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता।